साइंस गैलेक्सी। वेलकम टू आवर चैनल साइंस गैलेक्सी, वेयर वी लर्न साइंस इन सिंपल वेज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। स्टूडेंट्स, तो अब हम शुरू करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स में, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तक जो हमने लॉज डिस्कस करे हैं, अगर वो समझने हैं तो आप प्लीज़ फर्स्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब हम शुरू करते हैं एटॉमिक मास में। एटॉमिक मास हमारा पता है, हमें पता है हमारा जो एटम होता है ना, एटम वो ना इज़ वेरी स्मॉल। हमारा एटम क्या होता है भाई, बहुत छोटा होता है। एटम इज़ वेरी स्मॉल, हमारा एटम कैसा होता है, बहुत छोटा सा होता है। तो इसके जो मेजर करने के यूनिट होती है ना, मेजर करने के यूनिट, वो हम ग्राम नहीं लेते, मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं, मेजरिंग यूनिट जो हम इसकी यूज़ करते हैं ना, वो हम लेते हैं मेजरिंग यूनिट AMU। फुल फॉर्म क्या होगी, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है भाई, एटॉमिक मास यूनिट हमारी ना इसकी फुल फॉर्म होगी, हम इसे AMU में मेजर करते हैं। और एक बात और, हमारा ये जो 1 AMU होता है ना, ये पता है किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। ठीक है, तो इसकी मेजरिंग यूनिट होती है 1 AMU। अब इसे ढंग से अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कार्बन ले लेते हैं, हमारा कार्बन 6 उसका नंबर होता है, 12 उसका मास होता है। ठीक है भाई, ये हमारा एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम में 6 हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, नीचे वाला नंबर 6 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 12 माइनस 6 हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है भाई, तो प्रोटॉन का याद रखना, एक प्रोटॉन का मास ना लगभग इतना ही होता है, एक प्रोटॉन का जो मास होता है ना, मास ऑफ 1 प्रोटॉन वो हमारा 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम ही होता है। तो हम इसे 1 AMU भी तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, और एक मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो भी लगभग इतना ही होता है, मतलब 1 AMU। लेकिन हमारा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो होता है 9.31 × 10⁻³⁹। तो ये तो बहुत ही छोटा हो गया, इन दोनों को कंपेयर करें ना तो काफ़ी छोटी यूनिट हो जाती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है। तो हम इसे अप्रोक्सीमेटली कह देते हैं भाई, इतना छोटा मास है, 0 एटॉमिक मास मान लो, इसकी मास कितना मान लो, इसका मास मान लो 0 भी, बहुत छोटा है, इसलिए हमने इसका मास निगलेक्ट कर दिया इन लोगों के कंपैरिजन में। तो जब हम टोटल मास निकालेंगे तो इसका मास क्या होगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होगा, हमारे एक कार्बन एटम का जो मास है वो कितना होगा, 6 प्रोटॉन है तो 6 × मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस 6 न्यूट्रॉन्स हैं तो 6 × मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन कितना था, लगभग 1 AMU, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 था, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1 था, कितना होगा 6, और ये भी 6, मतलब 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट, इसका मास हो जाएगा 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो हमारा एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, हमारे एक कार्बन एटम का मास होता है 12 AMU, या हम कह सकते हैं 12 × 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, ये एक कार्बन एटम का मास है। अगर मैं एक मोल कार्बन एटम की बात करूं भाई, एक मोल कार्बन एटम में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, एक मोल कार्बन एटम में ना कितने कार्बन एटम होते हैं, ये तो एक कार्बन एटम का है ना, एक मोल में कितने होते हैं, 6.022 × 10⁻³⁴
ठीक है भाई, याद रखना एक मोल में कितने कार्बन एटम होते हैं, किसी भी चीज का वन मोल में कितने एटम्स होंगे, 6.022 × 10³। इस पूरी चीज को जब सॉल्व करेंगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आता है, तो 10 × 10⁻²⁴ होगा, 10⁻²³ × 10⁻²³ सब कैंसिल हो जाएगा, बस बचेगा 12 ग्राम। तो भाई हम इस बात से क्या सीखते हैं, हमारा एक कार्बन एटम का मास है 12 amu, जबकि एक मोल कार्बन एटम का मास कितना है, 12 ग्राम, मतलब 6.022 × 10³³ कार्बन एटम्स जब मिलेंगे तो तुम्हारे एक मोल कार्बन एटम का मास है 12 ग्राम। इससे हमें पता चलता है कि भाई ग्राम और amu में कौन सी बड़ी यूनिट है, ऑब्वियसली ग्राम बड़ी यूनिट है। एक एटम का मास 12 amu और एक मोल कार्बन एटम जब मिलेंगे तब जाकर उसका वेट 12 ग्राम्स होगा। अच्छा एक बात और, हमारे एक amu में कितने ग्राम होते हैं, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम होते हैं। और इसे नीचे ले जाते हैं ना, 1/1.67 × 10⁻²⁴ amu = 1 ग्राम, या हम कह सकते हैं 1 ग्राम में 6.022 × 10⁻²⁴ amu होते हैं। ठीक है भाई, दोनों बातें हैं, एक amu में 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में इतने amu, इतनी एटॉमिक मास यूनिट होती है। इतनी बात तो क्लियर हो गई, कितने हमारा ग्राम और एटॉमिक मास यूनिट में कौन सी बड़ी यूनिट है, हमारी ग्राम बड़ी यूनिट है। अच्छा, हम एक एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कैसे करेंगे, इस बात को पकड़ लेंगे हम। एक कार्बन एटम का मास कितना है, 12 amu, तो एक amu कितना है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो हमारा 1 amu के इक्वल होगा, है ना। 12 को तो नीचे ले गए, तो 1/12, अगर एग्जैक्टली 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम निकाले तो वो हमारा 1 amu के इक्वल होगा, वही चीज़ हमारी क्या होगी, 1 amu के इक्वल होगी। ठीक है भाई, तो हमें पता चल गया कि 1 amu एग्जैक्टली होता क्या है, कार्बन को स्टैंडर्ड लेते हैं, ऐसे हम बात कर सकते हैं भाई, एक एटम हीलियम का मास कितना होगा, हाइड्रोजन हीलियम नंबर 2, तो मास उसका लगभग डबल, मतलब 4 amu। हीलियम का एक एटम का मास है 4 amu, जबकि एक मोल एटम्स ऑफ हीलियम का वेट पता है कितना होगा, 4 ग्राम हो जाएगा। ऐसे हम किसी भी चीज़ के लिए बोल सकते हैं, तो ये बात हमें याद रखनी है, एक एटम का मास amu में होगा, एक मोल एटम का मास ग्राम में होगा। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन जो बात हमें समझ में नहीं आती वो है कि भाई हम क्लोरीन का वेट देखें ना, तो हम वो लेते हैं लगभग 35.5। अब हमने ये पॉइंट में क्यों ले लिया, पॉइंट में कभी थोड़ी होता है मास जो है हमारा, है ना, हमारा जो ऊपर वाली चीज़ होती है वही तो मास नंबर होती है, जैसे 6C12, तो उसका वेट भी 12 amu हो गया, है ना। लेकिन कभी पॉइंट में नहीं होती ये वाली चीज़, ये इसमें पॉइंट में क्यों है, क्योंकि कि जो क्लोरीन है ना, ये एक्चुअली इसका रिलेटिव, ये इसका एटॉमिक मास नहीं है, ये है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। कैसा मास है ये, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। क्लोरीन के ना 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है भाई हमारा क्लोरीन जिसका वेट होता है 35, नंबर होता है 17, एक होता है क्लोरीन जिसका मास होता है 37, और हमारा जो मास होता है ना, मास वो हमारा यही होता है, मास हमारा कितना होता है, मास हमारा नंबर हमारा 17 ही होता है, लेकिन इसका मास कितना हो जाता है, मास हो जाता है 37। तो और इनका रेशियो पता है, ये 3:1, मतलब ये 3 गुना, इससे 3 गुना ज़्यादा पाया जाता है।
ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। किसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? तो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए इसके दो आइसोटोप्स हैं, ये आइसोटोप्स। तो हम कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास वो होगा 35 × 3 प्लस 37 × 1 अपॉन ये 3 + 1। 35 × 3 = 105, 37 × 37 = 4। रिलेटिव मास कैसे निकाला जाता है, जो भी इस आइसोटोप का मास है इंटू इसकी परसेंटेज प्लस जो भी इसका है इंटू इसकी परसेंटेज अपॉन टोटल परसेंटेज। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 142/4। सॉल्व करेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 35.5 ही आ जाएगा। तो इसीलिए किसी किसी का मास ना पॉइंट में भी हो सकता है। क्यों होता है किसी किसी का मास पॉइंट में, क्योंकि भाई वो जो हमारा है ना, इसका मतलब वो क्या है हमारा, उसके दो आइसोटोप्स होंगे जिसमें एक का मास ज़्यादा होगा और एक का मास भी कम होगा। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास भाई सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा, एक मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल का जो मास होगा वही मॉलिक्यूलर मास होगा। किसका होता है, मॉलिक्यूल का होता है। जैसे एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया C6H12O6, ये हमारा पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, तो इसका मास कैसे निकालेंगे। जैसे 6 है, कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, मास कितने हैं लेकिन 12 है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है लेकिन एटम्स कितने प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है। ऐसे करके ना हम उसका क्या निकाल सकते हैं, हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं, जितने भी उसके एटम्स हैं उनके मासेस को हम सम कर लें तो हमारा क्या निकल जाता है, मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है। 72 + 12 + 96 इसका मास आ जाएगा हमारा 180। अगर हम एक सिर्फ मॉलिक्यूल की बात करें तो AMU, और इतना हम 1 मोल ले लें, 1 मोल तो उसका वेट हो जाएगा 180 ग्राम्स। मतलब अगर हम इसका 1 मोल हम ना इसके 6.022 × 10³³ मॉलिक्यूल्स ले ले तो उसका मास हमारा 180 ग्राम हो जाएगा। ये हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है। और एक होता है फॉर्मूला मास, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। बस ये आयन वाली जो चीज़ होती है ना, उसका मास जो आयन होगा उसका मास क्या होगा, फॉर्मूला मास होगा। जैसे हम बात करें NaCl की, तो ये हमारा एक आयनिक कंपाउंड होता है, जो हमारा आयनिक कंपाउंड है। अगर हम आयनिक कंपाउंड का मास निकालेंगे तो जो मास निकलेगा उसका वो क्या होगा, फॉर्मूला मास के इक्वल होगा। सोडियम का वेट होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को प्लस करेंगे 58.5 AMU। ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है फॉर्मूला मास। ठीक है भाई, ये हमारा फॉर्मूला मास होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला मास में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमारा है एक छोटा सा फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए। नंबर ऑफ मोल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला छोटा सा है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जो हमारा जो भी गिवन वेट है उसे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। अगर हमें कभी भी वॉल्यूम गिवन होगी, वॉल्यूम, तो उसे 22.4 से डिवाइड कर दो STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। या एक तरीका और है, जितने भी हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम की बात कर लो, उसे 6.022 × 10³³ से डिवाइड कर दो। मतलब जैसे हमें गिवन है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स का हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर हमें कभी भी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो एक फॉर्मूला है, जो भी गिवन वेट है उसे डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट से। गिवन वेट को किससे डिवाइड करो, मॉलिक्यूलर वेट से। वॉल्यूम को किससे डिवाइड करो, 22.4 से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को किससे डिवाइड करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिवाइड करो
6.022 इंटू 10 की पावर 23 से। ये हमारा एक छोटे सा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। जैसे हमें दे दिया कि भाई हमारे 24 ग्राम है कार्बन के, ज़रा निकालो नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे निकालेंगे, गिवन वेट 24, मॉलिक्यूलर वेट 12, ये हमारे मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। कितने मोल्स आएंगे, 2 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब कभी वॉल्यूम पूछते तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 डाल देते, कभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछते कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे भाई इसके, तो हम कितने कार्बन एटम होंगे, जितने भी कार्बन एटम होंगे अपॉन 6.022 इंटू 10 भाई नंबर ऑफ 10 की पावर 23 इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट हो सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है भाई, इसके बाद ऐसे ही हमारा अमोनिया है, हमें दे दिया 34 ग्राम हमारा अमोनिया प्रेजेंट है। अमोनिया होता है NH3, तो इसका मॉलिकुलर वेट 14+3 17 AMU आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मोल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, मोल्स होते हैं जो भी गिवन वेट है 34, उसे मॉलिकुलर वेट मतलब 17 से डिवाइड कर दो, 2 मोल्स आ जाएंगे। 2 मोल्स हमारे आ गए, 2 मोल्स आ गए, और अब इसे 2 को किसके इक्वल रखेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मतलब 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन हमें बताना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताने होते इसी केस में, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हम कैसे बताते, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हम बताते भाई एक ही मॉलिक्यूल में इसके 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इसके एक ही अमोनिया के मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एक ही अमोनिया के मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे सॉल्व करके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी निकल जाएंगे, क्योंकि भाई एक अमोनिया में 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, एक ही अमोनिया के मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम, हमने तो निकाल ली कि इतने सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, तो बस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऐसे ही हमें पूछा है कि हमारा एक है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका वेट हमें पता है कितना दे रखा है, 49 ग्राम इसका वेट दे रखा है, हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताने हैं कि भाई ऑक्सीजन के कितने एटम्स इसमें प्रेजेंट होने वाले हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले तो हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 49/98 मतलब 1/2, लेकिन ये किसके इक्वल भी होते हैं, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसे किससे डिवाइड कर दो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दो, ये नंबर इधर जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 2 इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये कैलकुलेट करके आएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23, है ना, वो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए H2SO4 के। लेकिन हमें तो लेकिन किसके बताने हैं, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन के, हम कहेंगे इसके एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन है, इसके एक में ही 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के टोटल एटम क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम टोटल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे 4 × 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मतलब 12.044 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है भाई, वो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछे होते तो जितने भी आए हैं उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, उसे किससे मल्टीप्लाई कर देते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते। एक छोटी सी चीज और होती है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन
जैसे भी H2SO4 का एग्जांपल ले लो, हमें निकालना है H2SO4 में ना हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है। तो बस इस हाइड्रोजन का वेट कितना है, 2 ग्राम। टोटल वेट निकालेंगे तो 98 ग्राम, इंटू कर देंगे 100, ठीक है भाई। तो वो हमारी परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ जाएगी हाइड्रोजन की। ऐसे हमें जैसे दे रखा है CaCO3, इसमें कार्बन का पूछा है तो कार्बन का वेट होता है 12। टोटल इसका वेट निकालोगे तो 100 × 100। अगर इसमें ही ऑक्सीजन का पूछा होता तो ऑक्सीजन 3 है, एक का वेट 16 होता है, तो 48 / टोटल वेट है 100 × 100। ऐसे हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल लेते हैं उस एलिमेंट का मास / टोटल मास और × 100 करके, तो हमारा क्या आ जाता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ जाता है। जैसे अगर हमें कभी दे दिया ना कि भाई 5% मैग्नीशियम है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, बाय चांस ऐसे ही कुछ भी ले लिया, 5% मैग्नीशियम होता है MgO में, तो हम कह सकते हैं 5 ग्राम Mg इन 100 ग्राम MgO, ठीक है। तो अगर हमें कभी परसेंटेज गिवन है तो हम ये वाली बात भी लिख सकते हैं कि इसका 5 ग्राम और टोटल 100 ग्राम में है, ठीक है। जैसे अगर इसका कुछ दे दिया 5% है, मतलब इसका 5 ग्राम टोटल 100 ग्राम में है, ठीक है। ये हमारी परसेंटेज कॉम्पोजिशन होती है। इसके बाद हम एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करेंगे, एम्पेरिकल। अब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। जैसे हमने कंपाउंड का नाम सुना होगा C2H6 इथेन होता है, लेकिन इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला 2 × 3 = 6, मतलब CH3, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मूला। हमने एक ग्लूकोज का नाम सुना होगा C6H12O6, इसको 6 से डिवाइड कर दो सबको तो CH2O, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्मूला में एक्चुअल नहीं कि कितने होने चाहिए, बस उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला, उसे हम क्या कहेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं, जैसे कि हमारा एक चीज़ है C2H2 है, तो इसका हो जाएगा CH, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब जैसे हमें इस पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हमें गिवन था 4.07% हाइड्रोजन है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है, और हमें क्या निकालना है, हमें ना इसका पूरा एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला बताना है, ठीक है। हमें दे रखा है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट भी हमें गिवन है 98 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या होता है तरीका, हाइड्रोजन लिखो कितना है 4.07, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 4.07, उसे डिवाइड कर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर वेट से, मतलब 1। कार्बन को लिखो 24.27, उसे डिवाइड कर दो उसके उससे 12 से, फिर इसका लिखो 71.65, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, इससे डिवाइड कर दो, ये लगभग लगभग 4 आ जाएगा, ये लगभग लगभग 12 × 2 = 24 होता है, ये लगभग लगभग 72 आ जाएगा लगभग, है ना। तो इनका रेशियो आ गया 4:2:2, किसका है, हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं 2:1:1, तो हमारे 2 H हैं, एक कार्बन एक Cl, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। ज़रा हम इसका निकाल लेते हैं 2 + 12 + 35.5, इसको कैलकुलेट करके हमारा 49 आ जाएगा वेट, ठीक है, 49.5। इसका मतलब क्या है, हमने इसका क्या कैलकुलेट कर लिया, ये होता है इसका, ये तो हमारा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला था, ये इसका एम्पेरिकल मास निकल के आया है। फिर तरीका क्या होता है, एम्पेरिकल मास निकल गया, उसको मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास कितना था 98, इससे 49.5, मतलब लगभग लगभग 2 आ जाएगा, पॉइंट में तो हमें लेना होता नहीं है,
तो हमें पता चल जाएगा 2, ये हम n कैलकुलेट करते हैं। फिर जो भी हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला था ना H2CCl, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा C तो 2 हो गए, H 4 हो गए और Cl 2 हो गए। ये इसका आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमारे पास एक वेल्डिंग फ्यूल है और वेल्डिंग फ्यूल में हमारे पास जो अवेलेबल है वो है कार्बन हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। और हमें दे रखा है वेल्डिंग फ्यूल में ना 3.38 ग्राम तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, वही हमें एम्पेरिकल वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हमें दे रखा है 0.690 ग्राम H2O है। ठीक है, हमें इसका क्या बताना है, हमें इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। फिर हमें दे रखा है इसका जो 10 लीटर है ना, पूरे मिक्सचर का जो 10 लीटर है उसका वेट है 11.6 ग्राम। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला सब कैलकुलेट करना है। पहले तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। 1 लीटर का वेट होगा 11.6 अपॉन 10। ठीक है, तो हमारा 22.4 लीटर का वेट कितना होगा, 11.6 अपॉन 10 इंटू 22.4। लेकिन ये तो हमारा क्या होता है, 22.4 हमारे एक मोल की वॉल्यूम होती है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, हमारा एक फॉर्मूला था ना नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का। क्या फॉर्मूला था, जो भी वॉल्यूम है, कितनी वॉल्यूम दे रखी है 10 लीटर अपॉन होती कितनी है वॉल्यूम 22.4, ये भी तो था वॉल्यूम का फॉर्मूला। ये किसके भी इक्वल होता था, ये इक्वल होता था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और एक और चीज, जितने भी मॉलिक्यूल अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के इक्वल हो जाता था। ठीक है, तो भाई हमारा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका वेट हमें दे रखा है गिवन वेट 11.6 ग्राम। ठीक है, तो 10 अपॉन 22.4 इक्वल टू 11.6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट यही आ जाएगा लगभग 26। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा लगभग 26 कैलकुलेट हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हम क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। हमें सिर्फ कार्बन चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कार्बन चाहिए। लेकिन हमें गिवन तो CO2 ही है, CO2 हमारा 3.38 ग्राम था। अब क्या करें, अब हम कहेंगे भाई हमारा 12 ग्राम कार्बन होता है इन 44 ग्राम CO2। ठीक है भाई, मतलब कि हमारा ना 12 ग्राम कार्बन तो 44 ग्राम CO2 में होता है। ठीक है, लेकिन हमारा CO2 हम कह सकते हैं 44 ग्राम CO2 has, 44 ग्राम CO2 में क्या है, 12 ग्राम कार्बन है। 1 ग्राम CO2 में क्या होगा, 12 अपॉन 44 ग्राम कार्बन होगा। तो भाई हमारा 3.38 ग्राम में कितना होगा, 3.38 ग्राम है ना हमारा तो CO2, तो उसमें कितना कार्बन होगा, इतना कार्बन होगा। हमें पता चल गया कार्बन भाई इतना होने वाला है, कार्बन तो हमारा इतना होगा। ऐसे ही H2O हमें दे रखा था, H2O हमें दे रखा था कितना, 0.690। हम कहेंगे 2 ग्राम हाइड्रोजन इन 18 ग्राम वाटर, लेकिन H2O में 0.690 गिवन है, तो ये 18 पहले नीचे जाएगा, 2 अपॉन 18 एक ग्राम में, तो 0.690 में इतना होगा हाइड्रोजन। हमें हाइड्रोजन पता चल गया, हमें कार्बन पता चल गया। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जितना भी कार्बन है ना, कार्बन कितना है, इतना है कार्बन, उससे किससे डिवाइड करो, उसे 12 से डिवाइड कर दो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है ये, इसे किससे डिवाइड कर दो, इसके हाइड्रोजन के वेट से डिवाइड कर दो। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो हाइड्रोजन होता है ना उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1 ही होता है।
फिर ठीक है, फिर हमारी तीसरी चीज़ भी है, नहीं और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन था हमारे पास। ठीक है, अब हम इनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे। 12 से 12 तो पहली बार चला ही जाएगा। ठीक है, जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारा रेशियो पता है कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा टोटल काट पीट के 1:1 का ही रेशियो आ जाएगा, मतलब कार्बन भी 1 हाइड्रोजन भी 1। तो इसका CH आ जाएगा एम्पेरिकल वेट, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल वेट क्या होगा, 12 + 1 = 13 होगा इसका एम्पेरिकल वेट, एम्पेरिकल वेट हो गया इसका 13। ठीक है, हमें इसका मॉलिकुलर वेट तो हमने कैलकुलेट किसी तरह करा ही था 26, तो हम n कैलकुलेट करेंगे 26/13 मतलब 2। फिर हम क्या करते थे, जो भी ये था ना CH, इसे मल्टीप्लाई कर देते थे n से, मतलब C2H2, ये वाला जो हमारा मॉलिकुलर वेट हो जाएगा इसका C2H2 हो जाएगा। तो हमारा कंपाउंड क्या रहा होगा, C2H2 रहा होगा। ठीक है भाई, तो हमारा कंपाउंड C2H2 एसीटाइलीन, हमारा कंपाउंड एसीटाइलीन रहा होगा। चलो भाई, आज के लिए इतना रखते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे स्टोशियोमेट्री से। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.